सो हे रियलमी 6 यूजर्स, इट्स मी अंस एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइज, अगर आप लोग एक रियलमी 6 डिवाइस को यूज़ करते हो या फिर रियलमी 6 डिवाइस को परचेज का प्लान कर रहे थे, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं फुल इन डेप्थ रिव्यू ऑफ रियलमी 6। सो गाइज, यहाँ पर आपका जो रियलमी 6 डिवाइस है उसके मैं बॉक्स कंटेंट आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स ओपन करते हैं, तो हमें यहाँ पर एक मिलता है जिसमें हमें लिखा है हे वेलकम टू रियलमी फैमिली। इसके अंदर हमें एक सॉफ्ट सा TPU केस और सारे डॉक्यूमेंटेशंस मिलते हैं। देन हमारी आता है हमारा जो डिवाइस है वो, सो काफ़ी गुड लुकिंग डिवाइस है। यहाँ से हमारा ये डाटा केबल आती है और 30W आउटपुट वाला हमें वुक चार्जर मिलता है रियलमी की ब्रांडिंग के साथ। वाप चार्जर इसको रियलमी कहता है, तो कोई नहीं। और बाकी डिवाइस में हमें कुछ नहीं, यहाँ पे बॉक्स में कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें बॉक्स के कुछ हाईलाइट मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे 90Hz स्मूथ डिस्प्ले, MediaTek G90T प्रोसेसर और भी काफ़ी चीज़ें। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं डिवाइस की तरफ, तो डिवाइस हमें यहाँ पे वाइट कलर में मिलता है और काफ़ी सही डिवाइस की लुकिंग है। सो अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिवाइस की बात करें, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। जो इसकी डिस्प्ले है वो मुझको तो यार यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। क्यों? बिकॉज इस डिस्प्ले में हमें मिलता है 90Hz स्मूथ रिफ्रेश रेट। अगर हम लोग 90Hz स्मूथ रिफ्रेश रेट की बात कर ही रहे हैं, ये जो 90Hz स्मूथ रिफ्रेश रेट है, ये आप लोगों को हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्क्रोलिंग में। और भी इसको यूज़ करने के बाद आप लोगों की जो डिस्प्ले है उसकी मतलब क्वालिटी ही डबल हो जाती है। आप सब यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलती है हमें। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें एक IPS पैनल मिलता है, बट IPS पैनल इतना अच्छा होगा रियलमी की तरफ से वो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। क्योंकि पहले मुझको लगता था कि AMOLED ही सही है, क्योंकि मैं अभी इसके पहले यूज़ करता हूँ MI का A3 एंड उसके पहले भी मेरे पास सैमसंग के डिवाइसेस थे, तो सब डिवाइसेस में AMOLED डिस्प्ले थी। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा एक IPS डिस्प्ले से, तो ये डिस्प्ले मुझे तो बेस्ट लगी। अब आपके ऊपर आप लोगों को डिस्प्ले कैसी लगती है। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ से इसकी एक बार PUBG की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है उसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि गेमिंग परफॉर्मेंस एक फुल इन डेप्थ रिव्यू में ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने इसलिए गेमिंग का जो रिव्यू है वो ज़रूर से ऐड कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक बार आप लोगों को ग्राफिक सेटिंग बता देता हूँ। आप लोगों को स्मूथ प्लस एक्सट्रीम मिलता है, और मेरा जो डिवाइस है वो 4GB वाला वेरिएंट है ना। मैंने 6GB वाला वेरिएंट नहीं लिया था, क्योंकि मैं इतना बड़ा गेमर नहीं हूँ, तो मेरा चल जाता था काम। और इसमें अपडेट पुश कर रहा था मई का अपडेट, तो उस अपडेट में ये सब चीज़ें फिक्स हो गई थी। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक आर्केड मैच खेल के यहाँ पे ट्राई करते हैं कि इसमें कितना मतलब हमें क्या क्या चीज़ें, इसमें कितने फ्रेम्स ड्रॉप और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब कितना मिलती हैं। सो जल्दी से हम लोग यहाँ पे एक गेम प्ले करके देखते हैं। इसके वाईफाई से कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपका FPS मीटर में हमारा 46 FPS दिखा रहा है, जबकि हमारा मतलब काफ़ी सही 53-57 FPS दिखा रहा है। GPU मतलब सब चीज़ें दिखा रहा है। देखो 60 FPS तक का हमें ये गेम प्ले दे देता है, बट कंटिन्यूस 60 FPS तक का गेम प्ले नहीं दे पाता, जो कि यार एक बैड चीज़ लगी मुझे। और 59-58 इतने FPS का एक कंटिन्यूसली दे देता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे लैंड करें और जहाँ पर ज़्यादा एनिमीज़ होती है ना, वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो मिलती है। अभी मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है, फिर भी 124 का पिंग आ रहा है। इसमें एक पिंग की मुझे इशू लग रहा है, अभी पता नहीं पबजी के तरफ से इशू है या फिर मेरे वाईफाई नेटवर्क में इशू है या फिर पता नहीं किस में, बट इसमें एक पबजी में पिंग का इशू काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इसमें एक चीज़ सॉल्व होने वाली है। अब हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं, यहाँ पे हमारे मल्टीपल स्क्वाड्स उतरी हैं। अब हम लोग जल्दी से एक इसका तुरंत यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कितना यहाँ पे ये खाता है और मतलब कितनी इसमें बैटरी लॉस होती है। अभी हमारी जो बैटरी है वो है हमारी 55%। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे गेम प्ले करके देखते हैं कि हमारी कितनी बैटरी लॉस होती है। सो अब यहाँ पे हमारे प्लेयर्स हैं कुछ, सो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मुझे लैग स्टटर दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर और हम लोग थोड़ा फाइट करते हैं बंदों से, तब देखते हैं कि हमारा कितना मतलब लैग इसमें होता है। सो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे फाइट लेने बंदों से। सो यहाँ पर तो अब मैं मर चुका हूँ, अब ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बट यहाँ पे मुझको थोड़े थोड़े लैग और
फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे दिख रहे थे, जब हमारे सामने से मतलब एकदम एनिमी आ रहा था और हमारे पास ज़्यादा एनिमीज थे तो इसमें यहाँ पे हमारा गेम अटक रहा था और थोड़े से यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे थे। पर अगर आप लोग एक प्रो प्लेयर ना हो और अभी मतलब सिंपल आप लोगों को फ़ोन चाहिए तो ये आप लोगों की काफ़ी अच्छे से गेमिंग परफॉर्मेंस इसमें दे देता है और काफ़ी अच्छे से आप लोगों के जो गेम है उसको भी ये हैंडल कर लेता है। आप लोगों का मीडियाटेक का G90T प्रोसेसर मिलता है हमारा, देखो 53 था बस इतने से गेम प्ले में, 3 मिनट का हमने गेम प्ले करा, हमारा 1% की बैटरी डाउन हुई है तो काफ़ी सही है। अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो ज़्यादा हीट भी नहीं हुआ क्योंकि मेरा रूम टेम्परेचर पे फ़ोन लगा हुआ था चार्जिंग पे और ज़्यादा मुझे तो अभी यहाँ पे बग देखने को कुछ मिला नहीं है। अब हम लोग इसका एक बैटरी जल्दी से इसका हम लोग एक क्विक बैटरी चार्जिंग टेस्ट भी कर लेते हैं जिसमें हमारे सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि इसमें कितनी बैटरी ड्रेनिंग, और बैटरी ड्रेनिंग का तो मैंने आप लोगों को बता दिया और बैटरी कितनी जल्दी इतने फास्ट इसमें चार्ज होती है। तो अभी हमारा यहाँ पर देखो हमारा हम लोग इसको 15 मिनट चार्ज करके देखेंगे और इसमें देखते हैं कि कितना हमारा होता है। अब हमारा देखो मैं आप लोगों को चार्जिंग लगा के दिखाता हूँ एक बार। सो गाइस अभी यहाँ पर हमारी जो बैटरी है वो है हमारी 52% और अभी टाइम हो रहा है 1:40 हो रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसको चार्ज पे मैंने लगा दिया है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये 15 मिनट में कितना ज़्यादा कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा चार्ज हो जाता है। हमारा 53% है, 52% है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैं इसका क्लॉक जो है वो खोल देता हूँ। सो अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा देते हैं, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, मैं देखता हूँ 15 मिनट में इसमें कितनी ज़्यादा बैटरी चार्ज हो जाती है और कितना 30 वॉट का वुक चार्जर से, मैं इसके बाय डिफ़ॉल्ट चार्जर को यूज़ कर रहा हूँ ताकि उसमें हमारी सही सी बैटरी चार्ज हो जाए। तो 30 वॉट का वुक चार्जर इसके इनबॉक्स दिया है, अब हम लोग देखते हैं कितनी यहाँ पे बैटरी ड्रेनिंग और कितनी हमारी चीज़ें होती हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा 8 मिनट तक का फुल मतलब 8 मिनट हो गए हमें चार्ज पे लगाए हुए और यहाँ पे जो हमारी बैटरी है वो करीब करीब 62% चार्ज हो चुकी है। अब हम लोग इस टेस्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं 15 मिनट में। अब हम लोग रुकते हैं 15 मिनट पे, मैं आप लोगों को दिखा दूँ कितना चार्ज हुआ है। ये यहाँ पर टोटल हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि कितना मतलब ये चार्ज हो चुका है। मैंने भी चार्जर को ऑफ़ कर दिया, अब चार्जिंग से यहाँ से निकाल देता हूँ। अब देखते हैं हमारा ये डिवाइस कितना चार्ज हो चुका है, तो 72% हो चुका है तो काफ़ी सही है, 72 हो चुका है मतलब 20% चार्ज हो गया क्योंकि हमने 52% पे लगाया था चार्जिंग पे और कितना 15 मिनट में हमारा 20% चार्ज हो गया तो काफ़ी अच्छी आउटपुट दे रहा है 30 वॉट चार्जर के साथ Realme 6 डिवाइस। अगर हम लोग अब इसकी बात करें इसके स्पीकर्स की, तो इसके स्पीकर्स तो आप लोगों को मैं क्या ही बताऊं। अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एक मैं आप लोगों को एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूं और आप लोग इसकी डिस्प्ले की आप इसकी जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो आप लोग एक बार सुन सकते हो। सो गाइस काफ़ी अच्छा इसमें हमें स्पीकर की क्वालिटी जो है वो देखने को मिलती है और इसमें आप लोगों को एक चीज़ और मिलती है, आप लोगों को इसमें अगर इसमें रियलमी UI चल रही है और अगर हम लोग इसकी सेटिंग्स में जाएं और आप लोगों को सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है रियलमी लैब का, जिसको यूज़ करके आप लोग साइमोटेनियसली दो ब्लूटूथ हेडफोन या फिर ईयरफोन्स को एक साथ यूज़ कर सकते हो, है ना। सो ये आप लोगों को रियलमी UI में काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है और Realme जैसी ब्रांड पे हम लोग कभी शक कर नहीं सकते कि अपडेट पुश करने में कोई डिले करेगा, क्यों क्योंकि Realme इसमें अपडेट इतनी जल्दी जल्दी पुश करता है
जो कि मुझे तो नहीं लगता रियल मी ने अपने अभी तक के कोई से भी डिवाइसेस में इतनी जल्दी पुश करा होगा। और इसमें अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर की, सो फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें साइड माउंटेड मिलता है जो कि हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। अगर हम लोग फिंगरप्रिंट की बात करें तो आप लोगों का देखो, आप लोगों को बस टैप करना होता है, ओपन हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इसमें जब मैंने इसको स्टार्टिंग में लिया था इस डिवाइस को, तब मुझको लग रहा था कि कहीं इसका ज़्यादा यूज़ करने से इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ख़राब ना हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप लोग पता भी नहीं चलता, मतलब अब आदत सी पड़ गई है इस डिवाइस को यूज़ करने में, बस यूँ देखो टैप करा खुल गया सिंपल। सो काफ़ी अच्छे से ये डिवाइस है, सब चीज़ों को आप लोगों की संभाल ला। अब अगर हम लोग इसकी कैमरा क्वालिटी की बात करें, सो इसमें हमें बैक में मिलता है 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX का लेंस, सो जो कि आप लोगों की जो पिक्चर क्वालिटीज़ है उनको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। अब आप लोगों को कुछ इसके सैंपल्स दिख रहे होंगे, जैसा कि आप सब देख सकते हो इसकी वाइट बैलेंसिंग और सब काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से। और इसमें टाइम टू टाइम रियलमी अपडेट्स पुश कर रहा है जो कि इस अपडेट इस डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखने में आप लोगों की मदद करता है। तो गाइस आज के फुल एंड डेप्थ रिव्यू में बस इतना ही था, इतना ही कर सकते हो यार रिव्यू, और इसके आगे अभी देखते हैं। और आज की वीडियो बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।